IPL 2025 से पहले फैंस के लिए चौंकाने वाली खबर। सरफराज खान बने मुंबई इंडियंस के कप्तान। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में अब कुछ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी टीमें इस समय ऑक्शन में किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना है और किसे नहीं, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही कुछ खिलाड़ियों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की कुछ फ्रेंचाइजी 30 करोड़ तक की बोली लगा सकती है। इस लिस्ट में मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी शामिल है। इंडियन प्रीमियर लीग की मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई के सरफराज खान को ईरानी कप के लिए मुंबई की टीम का कप्तान बनाया गया है। सरफराज खान मुंबई के कप्तानी की भूमिका संभालेंगे। इससे पहले कायस लगाया जा रहा था कि टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे मुंबई की टीम में कप्तान की भूमिका निभाएंगे। हालांकि अजिंक्य रहाणे इस समय इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के हिस्सा है, ऐसे में यह जिम्मेदारी सरफराज खान को सौंप दी गई है। पिछले कई सीजन में सरफराज खान इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं है। हालांकि इस सीजन में मेगा ऑक्शन के दौरान कई टीमें उन पर बड़ी बोली लगा सकती है और IPL में अपनी टीम में शामिल कर सकती है। हालांकि इससे पहले सरफराज खान को ईरानी कप में शानदार प्रदर्शन करना होगा और इसके साथ ही उन्हें दिलीप ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन करना होगा। इसके बाद IPL की टीम में उन पर बोली लगा सकती है। दोस्तों, आज की खबर में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।